CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये कार्यक्रम मिर्जा गालिब एक अजीम शायर। सा शेर याद रखें और कौन सा भूल जाएं उस मशहूर शायर का जिसके बिना गजल अधूरी है, नज्म अधूरी है, उर्दू शायरी अधूरी है। ये हैं असदुल्ला खान बेग गालिब यानी मिर्जा गालिब। बात आज की शायरी की हो या पुरानी, इस अजीम शायर के बिना मुकम्मल नहीं हो सकती। हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले इस्लामी कैलेंडर के अनुसार 8 रजब 1212 हिजरी अर्थात 27 दिसंबर सन 1797 ईस्वी बुधवार को अकबराबाद, जहां अब आगरा शहर है, वहां मिर्जा अब्दुल्ला बेग खां के यहां मिर्जा गालिब का जन्म हुआ। उनका पुकारने वाला नाम मिर्जा नौशा रखा गया। उन्होंने अपना तखल्लुस पहले असद और बाद में गालिब रखा। जब ये 5 साल के थे तब इनके वालिद का देहांत हो गया और 9 साल की उम्र में ये चचा की सरपरस्ती से भी महरूम हो गए। इसलिए इनका बचपन मुश्किलों में बीता। जिस समय गालिब ने होश संभाला वो दौर था जब मुगलिया सल्तनत का सूरज डूब रहा था और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए अंग्रेज अपने पैर पसार रहे थे। शहंशाह बहादुर शाह जफर की हुकूमत किले तक सीमित रह गई थी। दूसरी ओर उर्दू शायरी का सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ बुलंदियों पर था। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना। गालिब ने पहले फारसी को अपनी जुबान बनाया, बाद में उर्दू जबान में भी शेर कहने लगे। 11 साल की उम्र तक मिर्जा नौशा थे ननिहाल में और छोड़ आगरा दिल्ली आए बल्ली मारान में।
दिल्ली का चांदनी चौक। देख के चल भाई। और उसके करीब ही ये बल्ली मारान का घनी आबादी वाला मोहल्ला और ये उसकी गली कासिम जान। अरे क्या कर रहे हो मियां? बस एक मस्जिद के जेरे साया मिर्जा का मकान था, जो गली में दाखिल होते हुए सबसे पहले उल्टे हाथ को पड़ता था। सामने हवेली थी, जहां ड्योढ़ी पर एक बकरी बंधी रहती थी। उसी में मिर्जा किराए पर रहते थे। नौ अगस्त सन 1810 ईस्वी को दिल्ली में गालिब का निकाह नवाब अहमद बख्श खां मारूफ की बेटी उमराव बेगम से हुआ। आरंभ में गालिब का तखल्लुस था असद। उन्हें शायरी में बनावट से चिढ़ थी। एक दिन एक साहब उनके पास आए और उन्होंने किसी मीर अमानी असद नामक शायर का एक शेर उनके सामने पढ़ा। वाह गालिब साहब वाह, क्या शायरी करते हैं आप। लेकिन जनाब कौन सा शेर पसंद आया आपको? वो वाला, असद इस जफा पर बुतों से वफा की, मेरे शेर शाबाश रहमत खुदा की। वाह गालिब साहब वाह, क्या शेर लिखा है आपने। ला हौल वला कुव्वत जनाब, आप इसे शेर कहते हैं? वो खैर देखिए, अगर ये शेर मेरा है तो मुझ पर खुदा की लानत है। मैं तो और अगर किसी और शायर का है तो उस पर खुदा की रहमत हो, इतना ही हम कह सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। माफ कीजिए जनाब, आप तो नाराज हो गए, मुझे लगा कि ये आपका शेर है। बस। ये मसाइले तसफ्फुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते, जो न बदखार होता। नाम की इसी गलत फहमी से बचने के लिए उन्होंने अपना तखल्लुस असद की जगह गालिब रख लिया। गालिब को इस तखल्लुस का मूल विचार हजरत अली की उपाधि असदुल्लाहिल गालिब से मिला था, जिसका अर्थ है उत्कृष्ट या सर्व विजेता। एक दिन की बात है, कोई आदमी गालिब को ढूंढता हुआ गली कासिम जान में आया और गालिब से ही पूछने लगा। दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। वाह वाह क्या बात, माफ कीजिएगा। जरा बताएंगे ये गालिब कौन है? पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। वाह 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 वाह, बहुत बहुत माफ कीजिएगा, गुस्ताखी माफ, मैं समझ गया, ये अंदाज गालिब के अलावा किसी और का हो ही नहीं सकता। बचपन से ही वो फारसी शायर बेदिल, असीर और शौकत से काफी प्रभावित थे। उनकी तर्ज पर शायरी किया करते थे, जिस पर उर्दू गजल के शहंशाह मशहूर शायर मीर तकी मीर ने गालिब के लड़कपन के अशार सुनकर कहा था, अगर इस लड़के को कोई काबिल उस्ताद मिल गया और उसने इसे सीधे रास्ते पर डाल दिया तो ये लाजवाब शायर बनेगा, वरना मोहमल बकने लगेगा। मीर तकी मीर का इंतकाल सितंबर 1810 ईस्वी को हुआ। उनकी भविष्यवाणी सही साबित हुई और मिर्जा लाजवाब शायर बने।
हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम्हें कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू कहते हो तुम कि तू क्या है। ये गजल कैसे कही गई और कहां पढ़ी गई, इसके पीछे एक किस्सा है। एक बार की बात है, मिर्जा गालिब अपने दोस्तों के साथ दिल्ली के किसी गली नुक्कड़ में बैठे हुए थे। वाह वाह वाह, क्या बात है गालिब साहब, वाह क्या बात। अचानक उस वक्त के उस्ताद शायर हजरत जौक साहब की सवारी निकली। जौक साहब बादशाह जफर के दरबार में एक आला दरबारी शायर थे और बादशाह के उस्ताद थे, और मिर्जा गालिब फक्कड़ मिजाज, रिंद और आजाद ख्याल के शायर थे। जब जौक साहब की सवारी निकली तो मिर्जा गालिब ने तंज किया, बना है शह का मुसाहिब फिरे है इतर आता। ओहो, खुदा ना खास्ता, बादशाह तक ये बात ना पहुंच जाए, क्या कर रहे हैं। जाहिर है जौक साहब ने ये बात सुनी और उन्हें बहुत बुरा लगा। जाकर उन्होंने बादशाह से इस बात की शिकायत कर दी। फिर क्या था, बादशाह को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने हवलदारों को भेजकर गालिब को बुला लिया। मिर्जा गालिब साहब, बादशाह सलामत, आपने जौक साहब की तौहीन करते हुए कुछ कहा है? माफी चाहता हूँ बादशाह सलामत, दरअसल आप तक गलत बात पहुंची है। जनाब, ये तो मेरी गजल थी और मैं उसका बस एक शेर पढ़ रहा था। अच्छा जी हुजूर। जौक साहब झूठ तो नहीं बोलेंगे, आपने जरूर कुछ ऐसा कहा होगा जो उन्हें बुरा लगा। अगर वो आपकी गजल थी तो अभी इसी वक्त वो पूरी गजल हमें सुनाई जाए। जो हुक्म बादशाह सलामत। उसी वक्त गालिब ने ये गजल कही। सबसे पहले तो बादशाह सलामत से मुखातिब हुए ये कहकर के, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। वाह, बहुत रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं काया, जो आंख ही से न टपके तो फिर लहू क्या है। सुभान, क्या कहने वाला, सुभान, क्या शेर है भाई। वाह, बना है शह का मुसाहिब फिरे है इतर आता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या खूब कहा। वाह, बहादुर शाह जफर जो खुद भी महान शायर थे जानते थे गालिब ने ये गजल दरबार में खड़े खड़े रची थी, लेकिन काबिलियत के सच्चे कद्रदान बहादुर शाह जफर ने उसी वक्त मिर्जा गालिब को अपने दरबार का शायर बना लिया। ये वो दौर था जब मुगल दरबार में महफिल सजती थी, मुशायरे होते थे, लाल किला, दरबार मुगलिया, मुशायरे की एक ऐसी ही शाम। बादशाह सलामत, बहादुर शाह जफर, आतिशदान की गर्मी सेकते शायर इब्राहिम जौक, बगल में हजरत मोमिन, मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा और कई दीगर आला शायर और सुखनवर मौजूद, साथ में मिर्जा गालिब। हजरात, हम मशकूर हैं उन तमाम शोरा
और सुखनवर हजरात के जो मुशायरे में शरीक हो रहे हैं। सबसे पहले हजरत मोमिन अपना कलाम सुनाएंगे। शम्मे महफिल हजरत मोमिन खाम मोमिन के सामने लाई जाती है। देखते हैं मोमिन साहब क्या सुनाते। मुलाहजा फरमाइए। कभी हम में तुम में भी चाह थी। कभी हम में तुम में भी चाह। क्या बात कही। तुम्हें याद हो के ना याद हो। तुम्हें याद हो के ना याद हो। बहुत कभी हम भी तुम भी थे आशना। वाह। कभी हम भी तुम भी थे आशना। कभी हम भी तुम भी थे आशना। तुम्हें याद हो के ना याद हो। शुक्रिया जनाब शुक्रिया। अब शमय महफिल हजरत जौक के रूबरू हो। अब शमाए महफिल हजरत इब्राहिम जौक के सामने लाई जाती है। देखें आज क्या फरमाते। मुलायजा फरमाए। जी 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 जरा तवज्जो चाहता हूँ। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे। मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। क्या खूब कहते हो ज़ौक साहब। हमको आपका कलाम बेहद पसंद आया। शुक्रिया। ज़ौक साहब के कलाम के बाद शमाए महफिल गालिब के सामने लाई जाए। चलिए देखते हैं गालिब साहब क्या कहते हैं। अरे भाई ज़ौक साहब की शायरी का भला क्या मुकाबला। शम्माए महफिल मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के सामने लाई जाती है। गालिब भी कम नहीं है किसी। हजरत इजाजत हो तो एक ताजा गजल के चंद अशआर पेश करूं। इरशाद 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 ग्रामी। नक्श फरियादी है किसकी शोखी तहरीर का। नक्श फरियादी है किसकी शोखी तहरीर का। कागजी है पैरहन हर पैकरे तस्वीर का। वाह वाह सुभान अल्लाह। वाह 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 बहुत खूब। कागजी है पैरहन हर पैकरे तस्वीर का। लाजवाब। बहुत खूब। क्या कहा है। गालिब की संजीदा गजल को समझना आसान न था। जफर मोमिन और ज़ौक जैसे शायर ही इसकी गहराई समझ पाते थे। ये शायर एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे और एक दूसरे की काबिलियत समझने वाले और एक दूसरे के कद्रदान भी थे। मुशायरे के बाद ज़ौक और मोमिन आपस में बातें कर रहे थे। मोमिन साहब अब मिर्जा गालिब क्या करते होंगे। बेचारे बैठे बैठे कोई गिरह लगाते होंगे या खोलते होंगे। ये कौन सा शौक है खुदाया। अरे शेख साहब कमाल का हाफ़िज़ है उस आदमी का। जितने शेर कहते हैं उतनी गिरह लगाते जाते हैं रुमाल पर। अच्छा। सुबह उठकर एक एक गिरह खोलते हैं और शेर कलम बंद कर लेते हैं। उन्हें एक एक शेर याद आता जाता है। वही हाफ़िज़ा तो वाकई कमाल का है। हाँ। ये तो मानना पड़ेगा। ये तो है। और शेर भी क्या खूब कहते हैं। मजा आ जाता है। पच्चीस वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते गालिब ने 2000 शेरों का दीवान उर्दू में तैयार कर लिया था। उनके लिखने और सोचने का ढंग इतना पेचीदा और मुश्किल था कि खुद ही दीवान से बहुत से अशार निकाल दिए। अंग्रेजों की बदौलत पत्थर का छापाखाना हिंदुस्तान में आ गया। हाजी मीर साहब की किताबों की दुकान भी काफी मशहूर थी। 1857 की क्रांति के दौरान दंगे हुए और हाजी मीर की दुकान भी उसमें जल गई। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया जहां कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। आमदनी का कोई जरिया नहीं। शायर शायरी के अलावा
कुछ जानता ना था। हाजी मीर और मिर्जा गालिब दोनों ही गमगीन, दोनों ही एक दूसरे के गम से परेशान थे। हाजी मीर साहब ने गालिब से पूछा, कुछ रोज से मायूस नजर आते हो नौशा मियां, क्या हुआ? अब क्या कहें? हौसला रखिए, कोई ना कोई सूरत तो निकल आएगी। कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। आंखों से लगता है रात सोई नहीं। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? सो तो किस्मत गई है। मेरे गम में क्यों रोते हो? तुम ही कहो, कितने का माल जल गया? कुछ न पूछो गालिब मियां, किताबों का हिसाब किताब तो कर लूं, लेकिन उस कलाम का हिसाब कहां से लाऊं जो किताबों तक भी न पहुंच सका और जल गया? तुम्हारा कितना कलाम जला, इसका कुछ अंदाजा है? काले अल्फाज स्याह हो जाएं तो क्या कीजिए, बस गलतकारियां जल गईं जवानी की। सलाम अर्ज करता हूं मिर्जा साहेब। आदाब विद्धन मियां, आदाब। और नवाब जान कैसी हैं? अब उनका ये इतना सा मुलाजिम क्या बताए, बस एक तकाजा है, कागज के रुके पर ताजा गजल लिखकर दे दीजिए तो उनकी बड़ी खुशनसीबी होगी। बदनसीब मेरी गजलों से खुशनसीबी की उम्मीद? मियां दर्द का दरिया है, कागज पे ले जाना है। ये लो भाई जी। नवाब जान से कहना हमारा उनसे इतना ही नाता था। नवाब जान पैरों में घुंघरू बांध मिर्जा गालिब की दर्द भरी गजल गाती है। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे। आज जो दीवाने गालिब हमें दस्तयाब है उसका प्रकाशन अक्टूबर 1841 ईस्वी में हुआ था। दीवाने गालिब में शेरों की संख्या है 1095। उनकी शायरी देशी और विदेशी कई भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है। उदे हिंदी और उर्दू मुअल्ला गालिब के खतों के संग्रह। इसके अलावा नामे गालिब, लतीफ़े गैबी, काताए बुरहान, दुरफ़शे कावियानी, दीवाने उर्दू, मकातीब गालिब आदि खास हैं। गजल के बाद उनके खतूत हैं। उनके खत एक नाम से शुरू होते थे और इस अंदाज में लिखे होते थे मानो वो खत पढ़ने वाले से बातें कर रहे हों। सौकूस से बाजुबाने कलम बातें किया करो और हिजर में विसाल के मजे लिया करो। आखिरी वक्त में उनका रूहानियत से लगाव हो गया।
अपने सबसे वफादार शागिर्द और दोस्त मुंशी हर गोपाल तफ्ता को एक खत में लिखते हैं। हिंदुओं में अगर कोई अवतार हुआ तो क्या, और मुसलमानों में नबी बना तो क्या। दुनिया में नाम बर हुए तो क्या, और गुमनाम जिए तो क्या। आमदनी का जरिया नहीं, बड़ा परिवार और बीमारी। शायर निढाल हो चला है। दर्द मिन्नत कशे दवाना हुआ, दर्द मिन्नत कशे दवाना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ, दर्द मिन्नत कशे दवाना। अपनी ये अमर किताबें शायरी के दीवानों के लिए छोड़कर मिर्जा गालिब 15 फरवरी 1869 के रोज दोपहर ढले इस दुनिया से रुखसत हो गए। उन्हें दिल्ली में बस्ती निजामुद्दीन के 64 खंबा के नजदीक खानदान लोहारू के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। ये लाश बेकफन हसदे खस्ता जा की है, हक मगफिरत करे अजब आजाद मर्द था। सन 1969 ईस्वी को गालिब को गुजरे 100 साल हुए। 22 फरवरी 1970 के रोज हिंदुस्तान की तब की वजीर आजम मोहतरमा इंदिरा गांधी ने ऐवान गालिब का उद्घाटन किया। गालिब के नाम नई दिल्ली में रिसर्च सेंटर खोला गया गालिब पर शोध करने के लिए। वाकई शायरी में जो मकाम गालिब ने हासिल किया उनके बाद उसके आस पास भी कोई फनकार नहीं पहुंच सका। मिर्जा गालिब एक अजीम शायर। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन शोध एवं आलेख डॉक्टर जितेंद्र सिंह। भाषा परामर्श डॉक्टर नुमान खां। कलाकार सुचित्रा गुप्ता, बाबला कोचर, विद्याभूषण, किशोर सहजानी, राजेश आहूजा, ममता मलकानी और राम मैनी। संगीतकार हरभजन सिंह। गायन स्वर देवाशीष और अनुजा बिसारिया। तकनीकी नियंत्रण सतीश लाडे। ध्वनि अंकन दीपक पांडे, अमिता भट्टी और बटिलैंग लिंगडो। निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण ध्वनि संपादन एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन। अंदाज़े